ये देखिए ये कुछ ही सेकंड अभी ये दो हो गया और पावरफुल हो गया। ये देखिए कितना तेजी से ये सक्शन कर रहा है। अब मैं यहाँ पे ट्रिपल मोटर भी ऑन कर देता हूँ। ये देखिए अब तो ये और तेजी से जबरदस्त काम कर रहा है। ये देखिए यहाँ पर देख रहे हैं हैंडल जो दिया गया है वो स्पेशली ड्रेन करने के लिए, इसको पलटने के लिए है। तो देखिए कितना इजीली ये मूव कर रहा है और आप आसानी से ऐसे सारा पानी जो है कलेक्ट किया हुआ। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से नए और धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों अगर आप भी वैक्यूम क्लीनर लेने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो आज है हमारे पास बिटाली की तरफ से आने वाला 80 लीटर का वैक्यूम क्लीनर। हमारे चैनल पर ये सबसे बड़ा वैक्यूम क्लीनर का अनबॉक्सिंग होने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका मॉडल नंबर है BT80WDVC। तो वेट एंड ड्राई वैक्यूम क्लीनर है, कमर्शियल यूज के लिए काफी परफेक्ट मशीन है। तो चलिए जल्दी से बॉक्स को ओपन करते हैं और इसके सारी एसेसरीज को निकालते हैं और उसके बाद इसकी टेस्टिंग करते हैं एकदम दमदार वाली। दोस्तों एक जरूरी इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा, बिटाली ब्रांड सबसे ओल्डेस्ट ब्रांड है क्लीनिंग प्रोडक्ट्स में और आजकल मार्केट में काफी सारे फेक ब्रांड्स आ गए हैं। सो आपको प्रोडक्ट परचेस करना है तो आप ऑथराइज डीलर से परचेस करें। पैन इंडिया बिटाली के डीलर अवेलेबल हैं तो आप उनसे कॉल करके भी पूछ सकते हैं ये फेक है या जेन्युइन है, और ऑथराइज डीलर से ही आप परचेस करें प्रोडक्ट को तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो फाइनली इसको मैंने निकाल लिया है बॉक्स से, अभी देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या है। तो बॉक्स पूरी तरह से एम्प्टी है, आँख पर देख सकते हैं। तो इसको मैं कर देता हूँ साइड में, आई थिंक जो एसेसरीज है इस बकेट के अंदर होगी, ठीक है, ताकि डैमेज ना हो शायद इसलिए। तो इसको मैं अनरैप कर देता हूँ पहले। तो दोस्तों ये रहा वैक्यूम क्लीनर, आप देख सकते हैं, मैं एक बार फिर से आपको नज़दीक से दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे नीचे बॉटम में यहाँ पर व्हील लगे हुए हैं ताकि ईजिली इसको मूव कर सकें आप। ऊपर की तरफ दोस्तों यहाँ पर तीनों मोटर के लिए अलग अलग स्विच दिए गए हैं और आप जैसा भी आपका रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप मोटर को यूज़ कर सकते हैं। आपकी ज़रूरत थोड़ी सी लो सेक्शन की है तो आप केवल सिंगल मोटर भी यूज़ कर सकते हैं और तीनों को एक साथ भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ये सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं। ये जो पाइप देख रहे हैं साइड में ये वाला, तो दोस्तों ये वाला जो पाइप है वो ओवरफ्लो के लिए है, ठीक है। तो इसको यहाँ से कनेक्ट करेंगे, अभी मैं कनेक्ट करके आगे वीडियो में दिखाने वाला हूँ। बाकी दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका केबल काफ़ी लंबा है, इसको अभी मैं चेक करूंगा और उसके बाद बताऊंगा। और पीछे की साइड यहां पर आप देख सकते हैं ये सबसे पहले मैंने बॉक्स में यही निकाला था, ये आपका सक्शन हॉस पाइप है, ठीक है। तो इसको मैं पहले साइड कर देता हूं। हाँ, ये लगभग 2 मीटर के करीब है, ये देख सकते हैं आप। चलिए और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप पीछे की साइड देख रहे हैं ये दो आपको एक्सटेंशन रॉड मिल जाता है स्टील का, तो इसकी भी क्वालिटी काफ़ी शानदार है। इसको भी कर देता हूँ मैं साइड में। यहाँ पर पीछे की तरफ देख सकते हैं आप, यहाँ पर आपको हैंडल मिल जाता है, ठीक है, और ये ग्रिप भी दी गई है, काफ़ी अच्छा लगा मेरे को देखकर ये। और मूव करने के लिए व्हील तो दिया गया है। बाकी दोस्तों अब इसका जो मोटर है, हेड है, उसको निकाल के अंदर देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसको मैं ओपन करता हूँ पहले, उसके बाद निकालते हैं मोटर को। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं वॉशेबल फिल्टर मिल जाता है आपको, काफ़ी अच्छे क्वालिटी का, ठीक है। इसकी क्वालिटी काफ़ी लाजवाब है, काफ़ी हैवी लग रहा है ये। इसको कर देते हैं साइड में और आप यहाँ पर देख सकते हैं बाल्टी के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें और भी दी गई हैं, तो वन बाय वन मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये आपका वेट फ्लोर पर काम करेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें रबड़ लगा हुआ है। वहीं अगर इसमें ब्रश लगा रहता तो वो कारपेट के सेक्शन में काम आता। तो देखते हैं यहाँ पर वो है वो ब्रश, ये देखिए ये वाला जो ब्रश है वो आपका डस्टिंग करने में काम आएगा, ड्राई वैक्यूमिंग करने के लिए, क्योंकि इसमें देखिए यहाँ पर ब्रश लगा हुआ है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये कारपेट पे या फिर कहीं भी मैट पे इसको क्लीन कर सकते हैं इससे यूज़ करके, ठीक है। बाकी दोस्तों बकेट में यहाँ पर एक हमें ये नोज़ल मिल जाती है ताकि नैरो जगह जहाँ भी हो वहाँ पर इसको ईज़िली यूज़ किया जा सके, सोफ़ा या फिर कार में कहीं पर भी, ठीक है। और ये जो दूसरा वाला नोज़ल है इसमें ब्रश टाइप का लगा हुआ है, ठीक है, तो ये जो ब्रश है वो डस्ट को जल्दी से कलेक्ट करने में आसान रहेगा इससे। इसको भी कर देता हूँ साइड में। और यहाँ पर आपको एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल मिल जाता है, ठीक है, तो इसको भी कर देते हैं साइड में।
यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं यूजेस को लेकर, इनके जो पार्ट्स लगे हुए हैं इसमें वो सारा इसमें डायग्राम दिया गया है। ठीक है, तो अब बकेट खाली हो चुका है, तो चलिए अब इसकी पावर टेस्टिंग देखते हैं, सक्शन पावर कैसा है इसका। तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए दोस्तों अब पावर को टेस्ट करके जल्दी से चेक करते हैं इसका सक्शन पावर कैसा है। तो ये हॉज जो पाइप है उसको सिंपली ऐसे कनेक्ट करना है, बस ऐसे लॉक हो जाएगा ये। ठीक है, तो अब मोटर को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं सामने काफ़ी सारे रेत हैं। ठीक है, तो बालू इकट्ठा करके लाया है ताकि मैं सक्शन पावर इसका अच्छे से टेस्ट कर सकूं, क्योंकि धूल मिट्टी तो आसानी से ये सक कर लेगा, बट मैं चाह रहा हूं थोड़ा सा हैवी मटेरियल इसको सक्शन करके चेक करूं मैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ये मैंने फर्स्ट मोटर को ऑन किया, ये देखिए कितना तगड़ा ये सक्शन कर रहा है। इसमें मैं नोज़ल लगा देता हूँ यहाँ पर, रिवाइज नोज़ल। ठीक है, तो ये देखिए वाह ज़बरदस्त, यहाँ पर देख सकते हैं क्या बात है, शानदार। अब मैं एक बार डबल मोटर को ऑन करता हूँ, यहाँ पर देखिए ये वाला ऑन किया तो अभी ये दो हो गया और पावरफुल हो गया ये देखिए कितना तेज़ी से ये सक्शन कर रहा है। अब मैं यहाँ पर ट्रिपल मोटर भी ऑन कर देता हूँ, ये देखिए अब तो ये और तेज़ी से ज़बरदस्त सक्शन करेगा, देख सकते हैं गजब, मज़ा आ गया भाई, इसको कहते हैं पावर। ये देखिए कितना जल्दी ये कुछ ही सेकेंड में सारा बालू जो है वो सक्शन कर लिया यहाँ पर ये। ओह माय गॉड, ये चिपक रहा है पूरा हाथ, तो यहाँ पर देख सकते हैं पूरा ये जो मेज है वो पूरा क्लीन हो चुका है। इसको तो मैं बंद करता हूँ पहले। तो दोस्तों आपने देखा बहुत ही शानदार ये सक्शन कर रहा है। तो आइए दोस्तों अब मैं दिखाता हूँ जो सक्शन हुआ है बालू वो कहाँ पर है। तो इसको मैं साइड करता हूँ पहले मोटर को, फिल्टर को निकाल के देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं जहाँ पर ये सक्शन वाला जो थ्रेड है इसकी वजह से यहाँ पर हल्का फुल्का गंदा हुआ है, बाकी सारा जो देख सकते हैं बालू इसके अंदर इकट्ठा हो गया है। देख सकते हैं ये देखिए कितना सारा बालू है, इसमें एक्चुअली दो चार मोटे मोटे ये देख सकते हैं टुकड़े भी थे ईंट के, वो भी सक्शन कर लिया। सो गाइज अब हम करने वाले हैं वेट वैक्यूमिंग, देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कलरफुल पानी लिया है ताकि आपको अच्छे से देख सके, विजिबिलिटी अच्छी हो। तो चलिए अब मोटर को पहले ऑन करता हूँ मैं यहाँ पर पहला मोटर। ठीक है, तो मोटर ऑन करने के बाद ये देखिए कितना तेज़ी से सक्शन कर रहा है। मैं तीनों मोटर को एक बार ऑन करता हूँ और उसके बाद आपको इसका पावर दिखाता हूँ। ये देखिए ये देखिए ये कुछ ही सेकेंड में जो है ये पूरा पानी जो है वो सक्शन हो गया, आप देख सकते हैं ज़बरदस्त, इतना तेज़ी से ये सक्शन किया है मैं बिलीव भी नहीं कर पा रहा हूँ। और इस बकेट में पूरा स्टोर हुआ है और यहाँ से भी आप इसको निकाल सकते हैं पानी को, देखते हैं निकलता है कि नहीं जो पानी है, ये देखिए जो स्टोर हुआ है। ठीक है, एक तो ये आपका मेथड हो गया ड्रेन आउट करने का, तो ये ड्रेन भी कर सकते हैं इससे। और दूसरा मेथड दोस्तों अगर पूरा फुल है आपका तो यहाँ से भी कर सकते हैं, इसमें बड़ा अच्छा सिस्टम दिया गया है बकेट को पलटने के लिए, वो मैं आपको पहले दिखाता हूँ। दोस्तों इसका जो दूसरा मेथड है ड्रेन करने के लिए वो देखिए कितना शानदार है और किसी वैक्यूम क्लीनर में देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर देख रहे हैं हैंडल जो दिया गया है वो स्पेशली ड्रेन करने के लिए, इसको पलटने के लिए है। तो देखिए कितना ईजिली ये मूव कर रहा है और आप आसानी से ऐसे सारा पानी जो है कलेक्ट किया हुआ पलट सकते हैं। तो दो मेथड है इसमें, एक तो ये वाला और एक जो आपका है वो आपका इससे ड्रेन कर सकते हैं। तो दोनों काफ़ी ज़बरदस्त तरीका है, तो ये चीज़ मेरे को काफ़ी अच्छी लगी इस वैक्यूम क्लीनर की। तो आइए दोस्तों इस वैक्यूम क्लीनर से अब फ्लोर पे डस्टिंग करके देखते हैं इस वाइपर का टेस्ट करके कैसा काम करता है। तो मोटर को मैं पहले ऑन करता हूँ, ये पहला मोटर ऑन हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये देखिए कितना शानदार ये काम कर रहा है, ये देख सकते हैं ये अभी फर्स्ट मोटर मैंने ऑन किया है और उसके बाद मैं अभी एक मोटर और ऑन कर देता हूँ, आप देखिएगा इसका पावर कितना ये तेजी से सक्शन कर रहा है, वाह। तो ये फ्लोर क्लीनिंग में काफ़ी बढ़िया काम करेगा, अगर इंडस्ट्रियल एरिया में होटल हॉस्पिटल कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसका। देखिए गाइस पूरा फ्लोर जो है यहाँ पर बालू पड़ा हुआ था वो सारा क्लीन हो चुका है, तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया सक्शन कर रहा है ये ज़बरदस्त। अब वेट फ्लोर भी करके एक बार चेक करते हैं वाइपर का इस्तेमाल करके। तो गाइज अभी देख सकते हैं फ्लोर बिल्कुल वेट है, तो अभी मैं ये फ्लोर वाला जो नोज़ल है वो लगाता हूँ यहाँ पर। ठीक है,
तो इसको मैंने फिक्स कर दिया है। अब मोटर को ऑन करते हैं और टेस्ट करते हैं। सुपर, ये देख सकते हैं क्या कमाल का ये काम कर रहा है। ये देखिए शानदार। दूसरा मोटर ऑन करते हैं। ये देखिए पूरा फ्लोर जो है वो पूरी तरह से ड्राई हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। शानदार। तो अब बारी है दोस्तों कार का वैक्यूम करने की, ठीक है। तो अभी यहाँ पर कंडीशन देख सकते हैं, ये वाला मैट बहुत ही ज़्यादा गंदा है। तो सबसे पहले हम इसी पर टेस्ट करके देखेंगे कि सक्शन इस पर कैसा रहता है इसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं सिंगल मोटर पे इसको टेस्ट करके देखूँगा। तो ये मैंने मोटर ऑन कर लिया, अब देखते हैं इसका प्रोसेस। तो ये जो ब्रश वाला नोज़ल है वो मैट पर काफ़ी अच्छा काम करता है डस्ट को कलेक्ट करने में, देख सकते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया काम कर रहा है। एक्चुअली मैट काफ़ी ज़्यादा गंदा है, जो कि आपको पता नहीं कैमरा एडजस्ट कर पा रहा होगा कि नहीं। और ये देखिए कितना बढ़िया ये क्लीन हो गया। छोटे छोटे जो भी डस्ट के पार्टिकल्स थे वो देख सकते हैं। अब इसको मैं हटाता हूँ और नीचे का क्लीन करते हैं डबल मोटर के साथ। तो डबल मोटर ऑन कर लिया मैंने और ये देखिए जबरदस्त। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये प्रॉपर क्लीन हो चुका है। सो गाइस, आपने देखा इस वैक्यूम क्लीनर का परफॉर्मेंस काफ़ी लाजवाब था। अगर आपको भी इसे परचेस करना है अपने होटल, हॉस्पिटल या फिर कार वॉशिंग नया सेटअप करें उसके लिए, तो आप ये मशीन खरीद सकते हैं, क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस मेरे को बहुत ही बढ़िया लगी, क्योंकि मैंने इसे हर तरीके से टेस्ट करके देखा और सभी में ये पास हो गया। पटाली ब्रांड का दोस्तों डीलरशिप बहुत जगह अवेलेबल है, सारे का मैं लिंक दे दूंगा, सेलर का कॉन्टैक्ट नंबर, वहाँ से आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके इसको परचेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके स्पेयर पार्ट भी काफ़ी सारे अवेलेबल हैं, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए हेल्प एंड सपोर्ट भी आपके लिए अवेलेबल है, ठीक है। तो ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हाँ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।